कुमाऊं की बोलियां कुमैया, सौयाली, सिरली, अस्कोटी, पराजिया, पछाई, ये सारी कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां। गुरखाली नेपाली लोग बोलते हैं, भावड़ी, मजकुमैया, शौका। 2011 के कुल शिशु आबादी 2011 में कुल शिशु आबादी में से पुरुष और महिला शिशु प्रतिशत कितना है? पुरुष का शिशु और 52 और महिला यानी 53%, 52.90% और महिला शिशु 47.10%। ये आंकड़े आगे बढ़िए। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, केवल किसका किसी की बढ़ोतरी हुई? देहरादून और हरिद्वार की। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी देहरादून। 2001 से 11 में 10 की वृद्धि दर शून्य से नीचे है। 2011 राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि है 17%। 2011 में 10 की वृद्धि में देश का राजस्थान स्थान 17वां। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या गणना 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व 159 और 189 ध्यान रहे प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई, सबसे ज्यादा हरिद्वार। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 25वां। 2001 और 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात 962 और 963, एक का फर्क है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात 943। और 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान 13वां। 2001 से 2011 में शिशु लिंगानुपात 967 और 990 यानी 2001 में इतना, 2011 में इतना, 890 और 967 यानी घट गया है। 2001 और 2011 में राज्य की औसत साक्षरता बढ़ गई है 71 से 78 ध्यान दें। 2001-2011 में औसत साक्षरता, असल आपको औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 17वां। असल आपको 2011 के आंकड़े पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन कंपेरेटिवली भी देख लिया। 2001 और 11 में राज्य में पुरुष साक्षरता 83%, अभी 87 चल रहा है। 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 13वां। 2001 और 11 में राज्य में महिला साक्षरता 59.6 से 70.77%। 2011 में महिला साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 20वां। सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले जिले हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार और रुद्रप्रयाग ही है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु अनुपात वाले जिले, सबसे ज्यादा हरिद्वार, सबसे कम देहरादून। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले उधम सिंह नगर में, सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे कम पौड़ी। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा तो आपको पता है, सबसे कम हरिद्वार। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात, सबसे अधिक अल्मोड़ा, सबसे कम पौड़ी। सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व वाले जिले हरिद्वार, सबसे अधिक, सबसे कम उत्तरकाशी। बहुत बेहतरीन, आगे आए। सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाला जिला देहरादून है और सबसे कम उधम सिंह नगर। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले घटते क्रम में हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। नंबर वन पे हरिद्वार। 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार जिले घटते क्रम में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। इसको जरूर रखिए याद। सर्वाधिक शिशु प्रतिशत अनुपात वाले चार जिले हरिद्वार, चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले चार जिले, सबसे ज्यादा दस की वृद्धि किसकी हुई? उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। सबसे कम वृद्धि दर वाले चार जिले पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले चार जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, याद रहे अल्मोड़ा का रॉस से रुद्रप्रयाग शुरू हो जाता है, पौड़ी, बागेश्वर। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिद्वार, उसके बाद देहरादून। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है और देहरादून का कितना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले चार जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। सबसे कम जनघनत्व वाले चार जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले चार जिले देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता वाले चार जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ध्यान रहे उधम सिंह नगर के बाद हरिद्वार आ रहा है, उत्तरकाशी, टिहरी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। सबसे कम महिला साक्षरता वाले उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या 69.77%, 70,36,000 यानी 70% के करीब गांव में और 30% के करीब नगर में रहती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आबादी का 10 की वृद्धि दर 11.52 39.94%। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्रमशः 1000 और 884। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्रमशः 899 848। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और इसको आप बार बार सुनने की कोशिश कीजिए, बार बार सुनिए और रिवीजन कीजिए, बार बार इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार लगा दीजिए, सुनते रहिए, आपके दिमाग में आएगा सबसे बड़ा छोटा जनसंख्या घनत्व तो, क्या कह रहे कि लिंगानुपात, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सबकी अलग अलग कॉपी रजिस्टर बना करके, अलग अलग नोट बना करके, उसके बाद अलग अलग टेस्ट सीरीज है, सबकी टेस्ट सीरीज एक एक डेली आप देखिए। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस और इवन आईएएस, पीसीएस, सबके लिए यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है। टीटी, एलटी, लेक्चरर, सब आप कॉपी बना करके उसको सिस्टमेटिक पैटर्न पे तैयारी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फायदा होने वाला है। इन नोट से बच्चे बहुत सफल हुए हैं, और आप लोग में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय से सिस्टमेटिक वीडियो आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।